नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। देखिए आज एकदम एक चीज़ नया लेके आए हैं और इस शुरुआत है आज, ये पहली वीडियो है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि देखिए, हम लोग आजकल जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि GS के क्वेश्चन, GK के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ख़ास करके जो लूसेंट एक होती है, सामान्य ज्ञान की एक बुक होती है जिसे लगभग हर जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट उसको ज़रूर पढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, हम लोग इस चैनल पे एग्रीकल्चर पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, वो भी ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो तो आता ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में मैं आपको GS से रिलेटेड भी वीडियो इस पर डालता रहूँगा, और वो भी मतलब ट्रिक के से रिलेटेड ही होगा, एक ट्रिक के माध्यम से जो भी लूसेंट की, जो खास करके लूसेंट पे हम लोग फोकस करेंगे, और लूसेंट की जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो सब हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ठीक है, तो लूसेंट में जब आप लोग पढ़ोगे तो एक है वहाँ पे पत्र और पत्रिका, वहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आता रहता है, मतलब जो कुछ ऐसे पत्रिकाएँ हैं या ऐसी बुक हैं जिनके जो राइटर हैं वो पूछे ही जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दोगे तो ज़रूर पूछा जाएगा। आजकल क्या होता है, किसी भी कुछ स्टेट में ऐसे भी होते हैं कि जब हम लोग एंट्रेंस देते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी देते हैं, तो वहाँ पे 20-30 क्वेश्चन जो है GS के भी पूछे जाते हैं, तो उसमें ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये ही नहीं, आप ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ ये वीडियो 100% आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जब हम लोग लूसेंट, आप अगर सभी लोग लूसेंट जरूर ले लिया कीजिए जो भी कंपटीशन दे रहे हैं, तो लूसेंट लेंगे तो उसमें एक है चैप्टर पत्र और पत्रिका वाला, वहाँ पे जब जाएंगे तो ये बुक का नाम दिया गया है, उसके राइटर कौन है उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए यही हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उस पत्र और पत्रिका में एक क्या है कि आता है कि एक बुक है जिसका नाम है गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य उस बुक का नाम है, और पूछा जाता है कि किसने लिखा। देखिए लिखा तो बाल गंगाधर तिलक ने था, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी यहाँ पे कि इसको हम अपनी ज़िंदगी भर के लिए अपने दिमाग में कैसे रख लें। तो उसको कैसे आप ज़िंदगी भर के लिए इसको रख लेंगे अपने दिमाग में और कभी भूलेगा नहीं, उसी से रिलेटेड हम ट्रिक बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, अब इसमें हम लोग कैसे इसको याद करेंगे हमेशा के लिए। तो देखिए यहाँ जो ये आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें ये क्या है, बहुत पहले एक सीरियल आता था जिसका नाम था शक्तिमान, ठीक है, और शक्तिमान में जो है 2-3 कैरेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। एक तो शक्तिमान खुद थे ही, एक दूसरे थे गंगाधर, और एक जो थी उसमें गीता विश्वास थी, ठीक है, बस इसी से कोरिलेट करिएगा इसको, ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। अब देखिए इस बुक में क्या है, बुक के नाम में क्या है, गीता रहस्य, और बुक गीता रहस्य में छुपा हुआ है गीता, और यहाँ जो इसको लिखने वाले हैं वो है बाल गंगाधर तिलक, इसमें छुपा हुआ है गंगाधर, और गंगाधर और गीता किस सीरियल्स में थी, तो शक्तिमान में थी। इस तरह आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी आपको भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा यार, लिख के ले लो आप, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला है कि इंडियन मिरर, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता रहता है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दोगे। देखिए ऊपर जो हमने बताया है गीता रहस्य, वो तो बहुत एग्ज़ामों में आ चुका है, जो भी हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड दें या नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड दें तब भी आता ही रहता है। तो एक है इंडियन मिरर, ठीक है, अब इंडियन मिरर क्या है कि जो इंडियन मिरर एक बुक है उसको किसने लिखा था, केशव चंद्र सेन ने। हमेशा पूछा जाता है इंडियन मिरर बुक किसने लिखा, तो केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, या इंडियन मिरर जो पत्रिका है किसने लिखा, केशव चंद्र सेन ने। कैसे इसको याद करोगे, अब देखिए इसमें इंडियन मिरर में छुपा हुआ है मिरर का मतलब है आईना, आईना मतलब शीशा, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना फेस और अपना केस देखते हैं, ठीक है, केस देखते हैं, मतलब केस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेयर, ठीक है, अब केस को कहते हैं हेयर,
और केस कहाँ हम लोग देखते हैं, मिरर में। बस यही ट्रिक है और यही आपको, इसको ज़िंदगी भर आप भूलेगा नहीं, इस तरह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन मिरर जैसे ही आएगा, इंडियन मिरर, तुरंत आप अपना ध्यान मिरर पे लगाइएगा और मिरर पे सोचिएगा कि मिरर में हम लोग दो ही चीज़ देखते हैं, या तो अपना फेस देखते हैं या तो अपना केस देखते हैं। केस देखते हैं मतलब हेयर देखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, एक बुक है या कहें पत्रिका है, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखा? अब देखिए इस पिक्चर में कौन दिख रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे हमारे सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो देख रहे हैं। और एक बात, अगर आपने इनका, अरविंद केजरीवाल का, आप कोई भी भाषण सुने होंगे जहाँ ये स्पीच दिए होंगे, एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं, वंदे मातरम, ठीक है। मतलब ये ज़रूर बोलते हैं कि वंदे मातरम ज़रूर बोलते हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, इनकी कोई भी स्पीच होगी वहाँ ज़रूर बोलते हैं वंदे मातरम। बस यही याद हो जाएगा। इसमें क्या है, अरविंद घोष इसको लिखे थे, लेकिन अब अरविंद इसमें छुपा हुआ है, तो अरविंद को आप कोरिलेट करिएगा अरविंद केजरीवाल से, ज़िंदगी में आपको भूलेगा नहीं। और अरविंद केजरीवाल अपनी हर स्पीच में क्या करते हैं, बोलते हैं वंदे मातरम। चलिए ठीक है, ये भी याद हो गया आपको। अगला देखते हैं। देखिए अगला जो है वो है यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया और हरिजन, दो बुकें तो मतलब ऐसी हैं, और भी बुकें हैं महात्मा गांधी की, लेकिन मतलब वो सबको याद रहती हैं, लेकिन ये जो हैं ये थोड़ा सा भूल जाती हैं। तो देखिए ये है बुक है यंग इंडिया। हमेशा पूछा जाता है कि यंग इंडिया जो बुक है वो किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। और एक बुक है हरिजन पत्रिका, ठीक है, उसको किसने किया, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब बात ये है, गांधी जी क्या थे, गांधी जी थे बूढ़े, मतलब बूढ़े हो गए थे, लेकिन बात हमेशा यंग की करते थे, ठीक है। बस इसको ऐसे ही याद करना है कि देखिए गांधी जी हो गए थे तो एकदम बूढ़े, लेकिन बात हमेशा करते थे यंग की, ठीक है। और एक तो और खासियत थी कि गांधी जी जब मरे थे, जब उनको गोली लगी थी, तो बोले थे हे राम, हे राम मतलब हरि का नाम लिए थे, तो हरि का नाम लिए, इस तरह से वो हो गया हरिजन। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी हैं, भूलेगा नहीं, ज़िंदगी में लिखवा के ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए है पत्रिका जिसका नाम है बंगाली। अब बंगाली को किसने लिखा, तो देखिए बंगाली को लिखने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। बनर्जी इसमें इनमें छुपा हुआ है और बनर्जी पे हमें फोकस करना है। अब देखिए इस पिक्चर में कौन दिख रही हैं, ममता बनर्जी, कहाँ की रहने वाली हैं, बंगाल की, ठीक है, बंगाली हैं, बंगाली हैं, तो बंगाल की हैं, बनर्जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। बस इसी तरह को रिलेट कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इंडिपेंडेंट, ठीक है। पूछा जाएगा इंडिपेंडेंट किसने लिखा, तो लिखे तो थे मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। अब यहाँ एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये है मोती की, ठीक है, मोती होती है, हिंदी में मोती बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं पर्ल। अगर आपको मोती मिल जाए ना, तो आप एकदम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, कहोगे यार छोड़ो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो एकदम मज़ा आ गया, मोती मिल गई है, पर्ल मिल गया है, ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी, बस इंडिपेंडेंट हो गए, मोती मिल गया, ठीक है। तो इसी से को रिलेट करिएगा, ये देखिए मोती है, बहुत ही मतलब कहते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ है जिसे मिल जाए फिर समझिए बन गई लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर आपको मोती मिल जाएगी। तो ये हो गया, अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला भी काफ़ी अच्छा है, अगला है काल, कहेंगे काल पत्रिका या काल पुस्तक, मतलब किसने लिखा, तो उस जिसने लिखा है, एक काल क्या है, एक पत्रिका है, किसने इसे लिखा है, उनका नाम था प्राण जपे। अब देखिए यहाँ हमने जो ये पिक्चर लगाया है, एक मूवी आई थी बहुत पहले जिसका नाम था काल, ठीक है। अब काल में क्या करते थे लोग, मतलब कहते हैं काल जो है, काल के मुंह में जाना, मतलब काल आ गया है आपका, यानी काल आ गया है, मतलब आपके प्राण जो हैं, प्राण जो हैं,
वो चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो मूवी थी जिसका नाम था काल, अब काल में क्या था कि एकदम लोग अपने प्राण पे यानी प्राण पे एकदम खेल के मतलब सब कुछ कर रहे थे। तो बस इसी तरह उसको को रिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। अगला जो है, अगला है कामरेड और हमदर्द, ठीक है। कामरेड और हमदर्द दो ऐसी पत्रिकाएं हैं जिसको लिखा था मोहम्मद अली ने। अब इसको कैसे याद करोगे आप, सबसे बड़ी बात है कि इसको याद कैसे करोगे। तो कामरेड और हमदर्द, कामरेड में देखिए छुपा हुआ है काम, और जब काम करोगे तो आपको दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो आप क्या करोगे, हकीम साहब के पास जाओगे, और उस हकीम का नाम रहेगा मोहम्मद अली, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए क्लियर हो ही जाएगा, भूलेगा नहीं यार। अगला है भारत दुर्दशा। पूछा जाता है कि भारत दुर्दशा किसने लिखा, तो भारत दुर्दशा जिसने लिखा है उसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भारतेंदु हरिश्चंद्र में ही छुपा हुआ है भारत दुर्दशा, ठीक है। कैसे, देखिए भारतेंदु में भारत भी छुपा हुआ है और दू भी छुपा हुआ है, दुर्दशा का दू छुपा हुआ है और भारत तो पूरा इसमें छुपा हुआ ही भारतेंदु में। तो इस तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। अगला जो है फ्री हिंदुस्तान, एक पत्रिका थी फ्री हिंदुस्तान, किसने लिखा, मतलब आता ही रहता है, ये सब इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि हर एग्ज़ाम में आती रहती हैं। तो पूछा जाएगा फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा, तो लिखा तो था तारकनाथ दास ने, ठीक है, तारकनाथ दास ने। अब इसको कैसे हम हमेशा के लिए याद करेंगे, तो इसको हमेशा के लिए हम ऐसे याद करेंगे कि हम इसको कोरिलेट करेंगे इस सीरियल्स से, ठीक है, जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम लोग कब देखते हैं, जब फ्री होते हैं, ठीक है, जब फ्री होते हैं तभी देखते हैं, ऐसा थोड़ी बिजी हैं और ये भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग जो हिंदुस्तान है जब फ्री होता है शाम के टाइम, पूरा हिंदुस्तान जब फ्री होता है तो क्या करता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है। तो तारक मेहता से याद हो गए तारकनाथ दास, ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। अगला जो है वो है इंडियन स्ट्रगल, बहुत ही अच्छी ये भी बुक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर कहा जाए तो रियल में इन्होंने मतलब देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी स्ट्रगल किया है, और जब स्ट्रगल किया है तो स्ट्रगल का अगर नाम जुड़ेगा तो सुभाष से ही जुड़ेगा, यस से स्ट्रगल, यस से सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बस इसी तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि एक बुक है, मतलब है या कह सके पत्रिका है, इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट जो है एक पत्रिका है। अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति, ठीक है। इसको किसने लिखा, सर बैरन बैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, एक अंग्रेज थे, इन्होंने ही लिखा था इसको, बैलेंटाइन सिरोल इनका नाम ही था। तो अब देखिए बैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने एक पिक्चर लगा दिया है, क्या होता है उस दिन, देखिए वहाँ उस दिन तो लोग मतलब अशांत हो जाते हैं, मतलब क्या करते हैं किसी के ऐसे मतलब इसको ऐसे याद करिए कि मतलब किसी के इंतज़ार में एकदम अशांति उनके अंदर आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है, मतलब अशांत मन रहता है उस दिन लोगों का एकदम, कि मतलब कुछ लोग मतलब समझ सकते हो, ठीक है। तो वैलेंटाइन है, अशांति रहती है उस दिन थोड़ा सा मन में कि पता नहीं क्या होगा, जो होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको कोरिलेट करिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो था ये लास्ट ही था, अब इसके बाद नहीं है। इसी तरह के से मतलब जो है ये सारी पत्र पत्रिकाएँ जो हैं ये आप जब लूसेंट में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी, और इस तरह ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि इस चैनल पे हम लोग क्या है एग्रीकल्चर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन देखिए एग्रीकल्चर तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर हमें कंपटीशन देना है तो हमें केवल एग्रीकल्चर से ही काम नहीं चलेगा, हमें जीएस भी याद करना है उसी तरह से, ठीक है,
क्योंकि GS भी पूछा जाता है। आप चाहे राजस्थान में कोई एग्ज़ाम दीजिए, चाहे MP में दीजिए, चाहे UP में दीजिए, चाहे बिहार में दीजिए, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तब वहाँ भी मतलब GS पूछा जाता है। और इस तरह अगर मैं आपकी ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी हेल्प करता रहूँगा इस पर, तो आपको मतलब एक GS का भी कॉन्फिडेंस बनता रहेगा, ठीक है। क्योंकि बात है, एग्रीकल्चर वाले GS से भागते बहुत ज़्यादा हैं, तो भागने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हम तो कहते हैं भागने से काम ज़िंदगी में नहीं चलने वाला है। अगर आप की तैयारी कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से करना पड़ेगा। अगर बीच में रह के करोगे तो नहीं सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो कर रहे हो उसके बहुत ही एकदम मन लगा के कीजिए, मतलब अपना पूरा 100% दीजिए, बाकी जो होना होगा होगा, ठीक है। कम से कम जब आप कोई एग्ज़ाम दीजिए तो अगर आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए, तो चाहे आप उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो या ना हो, लेकिन जब आप आईने के सामने खड़े होइए ना, तो मतलब ऐसा लगे कि हाँ हमने मेहनत किया था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि जब आप आईने के सामने खड़े हो तो ऐसा लगे नहीं यार थोड़ा सा हम अगर और पढ़ लेते तो और कुछ हो जाता, थोड़ा वाला ना चक्कर रह जाए, ठीक है। हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरे से रिलेटेड जो भी हेल्प की ज़रूरत है, आप ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, चाहे फेसबुक पे जुड़िए, जहाँ भी आपकी इच्छा मैसेज कीजिए। मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पे है ही हैं, ठीक है। आप ढूंढोगे किसी ना किसी वीडियो में मिल ही जाएंगे, तो वहाँ से हमें मतलब कांटेक्ट करिए। जिस तरह से हेल्प करना होगा हम करेंगे, क्योंकि हमने एग्ज़ाम बहुत दिया है, ठीक है, और हर चीज़ का नॉलेज है, कहाँ से क्या आता है, कैसे कौन सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मतलब और भी वीडियो लेके आऊँगा, GS पे भी लाऊँगा, एग्रीकल्चर पे भी लाऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।